हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 अक्टूबर 2002 की रात से, जहां पे हमें रात 11:47 का टाइम दिखाया जाता है, जहां एक लेडी सुनसान रास्ते से ड्राइव कर रही थी। उसके साइड में उसकी बेटी बैठी थी, तभी उसके फ़ोन की बेल बजती है, तो वो उसके हस्बैंड का फ़ोन होता है और वो अपनी बेटी को बोलती है कि अपने डैड से बात कर लो, लेकिन वो मिरर में अपने आप को देखने में बिजी होती है, तो वो कहती है कि मैं बाद में कर लूँगी। उसकी मम गुस्सा हो जाती है, दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होती है, तभी कार आउट ऑफ कंट्रोल होके एक खंबे से टकरा जाती है, लेकिन इन दोनों में से किसी को भी चोट नहीं लगती। वो लेडी गाड़ी से उतर कर नीचे जाती है और देखती है कि क्या खराबी है और बेटी को बोलती है कि मैंने सड़क पर अभी किसी को देखा। उसकी बेटी बोलती है कि शायद कोई कुत्ता होगा और वो लेडी गाड़ी में वापस आ जाती है। उसे स्टार्ट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो नीचे जाके फिर से उसे चेक करती है और बोनट को खोलती है और अपनी बेटी को बोलती है कि ड्राइविंग सीट पे आ जाओ। उसकी बेटी वैसा ही करती है। उसकी बेटी कहती है कि मॉम अब मैं क्या करूं, बट उसकी मॉम की कोई भी आवाज़ नहीं आती। वो दोबारा पूछती है कि मैं क्या करूं। बोनट खुला होने की वजह से उसे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और एक दो बार पूछने के बाद वो जाके देखती है तो वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। वो डर जाती है, घबरा जाती है। वो वापस गाड़ी के अंदर आती है और अपने फ़ोन से पुलिस को फ़ोन करने लगती है। उसने गाड़ी को लॉक कर दिया था, लेकिन जब वो पुलिस को फ़ोन कर रही थी तो उसकी लाइन बिजी आ रही थी। तभी वहाँ पर ज़ोरदार बारिश स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद उसकी गाड़ी पर कोई मिट्टी फेंक के मारता है, इससे वो और ज़्यादा घबरा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कोई तो है और यहाँ कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हुई है, लेकिन उसे ये नहीं समझ आता कि वो क्या करे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती या अपनी मदद के लिए किसी को भी बुला पाती, उसकी कार की सीट के पीछे उसे कोई बैठा दिखता है और वो इंसान उसका गला दबाकर उसे वहीं मार डालता है। अगली सुबह हम एक टीचर को दिखाते हैं जिसका नाम होता है क्लेमेंटाइन। वो आज वीकेंड पे थी तो इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकलती है और रास्ते में वो उसी रोड से गुजरती है जहाँ रात को हादसा हुआ था और वहाँ पे पुलिस वाले आए हुए थे जो कि उस गाड़ी को आगे लेके जा रहे थे। क्लेमेंटाइन देखती है और आगे निकल जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुँचती है। उसके बॉयफ्रेंड का घर बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड था। उसके घर के आसपास सिर्फ जंगल था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम लैनी था वो एक राइटर है, इसलिए वो ऐसी जगह पे रहता है। रात को वो लोग डिनर करते हैं और उसके बाद टीवी देख रहे होते हैं, तभी बाहर से उनके कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है। वो काफ़ी ज़ोर से भौंक रहा था तो कुत्ते को वो आवाज़ लगाता है। वो बाहर आता है और कुत्ता झाड़ियों में से निकलता है। वो कुत्ते को खाना देता है और कहता है कि अब मत भौंकना, तुम सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। लैनी अंदर आता है और थोड़ी देर टीवी देखने के बाद वो सो जाता है। क्लेमेंटाइन को कुछ काम था तो वो नीचे आ जाती है। जब वो काम कर रही थी तभी फ़ोन की घंटी बजती है और वो फ़ोन उठाती है, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं देता, बल्कि कुछ ऐसी आवाज़ आती है जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट उस आदमी के अराउंड हो। क्लेमेंटाइन इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वापस ऊपर जाके सो जाती है। अब जब दोनों सो रहे होते हैं तो रात को 3:47 पर क्लेमेंटाइन को कुछ आवाज़ आती है। वो खिड़की से बाहर झाँक कर देखती भी है पर उसे कुछ नहीं दिखता। वो लैनी को उठाती है और कहती है कि तुम्हें ये आवाज़ सुन रही है, तो लैनी को भी वो आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो दोनों नीचे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी वहाँ नहीं होती जहाँ उन्होंने पार्क की होती है, यानी कि वो गेट से थोड़ा दूर होती है। लैनी पूछता है कि वहाँ पे कौन है, पर कोई जवाब नहीं देता। वो धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी गाड़ी की लाइट्स जल जाती हैं जिससे वो दोनों डर जाते हैं। क्लेमेंटाइन लैनी को जल्दी से अंदर आने के लिए कहती है और इससे पहले वो अपनी गाड़ी तक पहुँचता, कोई उसकी गाड़ी को लेके वहाँ से निकल जाता है। ये दोनों घर में वापस आते हैं। क्लेमेंटाइन को लगता है कि उसकी कार चोरी हो गई, इसलिए वो परेशान हो जाती है और तभी घर की लाइट्स चली जाती हैं। लैनी फ्यूज चेक करने के लिए जाता है तो वो दोनों उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां मीटर होता है, लेकिन वहां से भी लाइट ऑन नहीं कर पाते। तभी देखते हैं कि इनके घर में कोई टॉर्च चमका रहा है। इस बात से ये लोग डर जाते हैं, समझ जाते हैं कि इनके घर के आसपास कोई है और ये धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और लैनी दरवाजे के पास जाता है जहाँ एक छोटी सी जाली होती है जहाँ से कोई टॉर्च चमका रहा होता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। तभी एक बार फिर से टॉर्च चमकाते हैं, वो दोनों डर जाते हैं और तभी वहाँ भी कोई टॉर्च चमकाता है। उस रूम की खिड़कियाँ बंद होने लगती है, तभी क्लेमेंटाइन खिड़की से नीचे एक साय को दीवार के पीछे जाता देखती है और वो और ज़्यादा डर जाती है। और जब लैनी
दूसरी खिड़की से देखने की कोशिश करता है तो उस खिड़की में उसे कोई टॉर्च चमकाता है। वो एक कोने में जाके छुप जाते हैं। क्लेमेंटाइन कहती है कि अब हम क्या करेंगे, तो लैनी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तभी लाइट आती है, लाइट के साथ कुछ अजीब आवाजें भी आने लगती है। लैनी क्लेमेंटाइन को कहता है कि तुम यहीं रहो और दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं देख कर आता हूँ कि क्या चल रहा है। क्लेमेंटाइन दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और लैनी नीचे देखने चला जाता है। वो देखता है कि ड्राइंग रूम का टीवी चल रहा है, पर वो उसे बंद कर देता है। लेकिन अभी भी वॉशरूम से आवाजें आ रही थी। वो एक शार्प रोड लेकर उस तरफ बढ़ता है और वॉशरूम में जब जाता है तो वहां पे पानी का टैप चल रहा होता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। और तभी टीवी की दोबारा आवाज आती है। वो समझ जाता है कि किसी ने फिर से टीवी चलाया है। वो ड्राइंग रूम में जाता है, तभी उसके पीछे से एक साया गुजरता है। वो रोड से उस पे हमला करता है। पीछे खिड़की होती है और वो टूट जाती है। तभी खिड़की को कोई धक्का मारता है और खिड़की का कांच उसके पैर में लग जाता है। यहां दिखाया जाता है कि जिस रूम में क्लेमेंटाइन थी उसका दरवाजा भी कोई बाहर से खोलने की कोशिश करता है। और जब क्लेमेंटाइन दरवाजे के होल से बाहर देखने की कोशिश करती है, तभी होल से एक पतली शार्प रोड आती है और वो उसकी आंख में लगने ही वाली होती है कि क्लेमेंटाइन बच जाती है। वहीं नीचे लैनी, जिसका पैर अभी जख्मी है, वो ऊपर आने लगता है और उसका कोई पीछा कर रहा था। वो उस रूम में पहुंच जाता है जहां क्लेमेंटाइन है और दरवाजा खोलने को कहता है। और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर जाता है, हमें पीछे एक साया दिखता है जो लैनी को मारने आ रहा था। रूम में जाने के बाद लैनी कहता है कि मेरे पैर से कांच निकालो। क्लेमेंटाइन उसका कांच निकालती है। अब यहाँ ये दोनों फंस चुके हैं और अब जो भी बाहर है वो अंदर आना चाहता है। वो दरवाजा धकेल रहा है। वो वॉशरूम में छुप जाते हैं। यहाँ वॉशरूम के ऊपर एक रोशनदान है। क्लेमेंटाइन कहती है कि मैं ऊपर जाके बाहर जाने का रास्ता ढूंढती हूँ। लैनी का पैर जख्मी है तो वो नहीं आ सकता। वहाँ जाके वो देखती है कि ऊपर एक बहुत बड़ा स्टोर रूम है और वहाँ एक खिड़की भी होती है जहाँ से बाहर जा सकते हैं। तभी क्लेमेंटाइन को लैनी की आवाज़ आती है। वो उसे मदद के लिए बुला रहा होता है। वो समझ जाती है कि वो खतरे में है। वो उसी तरफ जाने लगती है। तभी उसे लगता है कि उस रूम में कोई है और वो वहाँ छुप जाती है। और यहाँ जो था वो क्लेमेंटाइन को ढूंढना शुरू कर देता है। क्लेमेंटाइन को किसी के पैर दिखते हैं और वो डर जाती है। वो एक जगह जाती है जहाँ बहुत सारे प्लास्टिक होते हैं और प्लास्टिक के पीछे कोई उसका पीछा कर रहा होता है। और वो बालकनी में पहुंचती है, देखती है कि उसके पीछे एक साया है। वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी वो उसे बालकनी से नीचे गिरा देती है और वो साया उठता है और फिर से ऊपर आने की शुरुआत कर देता है। क्लेमेंटाइन नीचे लैनी के पास आती है। वो कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और ये निकलने के लिए दरवाज़ा खोलना शुरू कर देते हैं और बड़ी मुश्किल से ये भागने लगते हैं। और इनके पीछे कुछ लोग टॉर्च लेकर पड़े हुए थे, यानी कि वो लोग उसका पीछा कर रहे थे जिन्होंने इनको घर में भी परेशान किया था। वो भागते हैं और उनके चारों तरफ जंगल ही होता है। फिर आगे एक रैलिंग मिलती है। क्लेमेंटाइन उसे पार कर लेती है, लेकिन लैनी के पैर में चोट की वजह से वो उसे क्रॉस नहीं कर पाता और वो क्लेमेंटाइन को कहता है कि यहाँ से चली जाओ। लेकिन लैनी के जबरदस्ती करने पर भी वो वहाँ से नहीं जाना चाहती। एट लास्ट वो वहाँ से चली जाती है और वो टॉर्च लाइट उसे अभी भी फॉलो कर रही थी। क्लेमेंटाइन आगे जाती है और वहाँ उसे अपनी कार मिलती है। वो देखती है कि उसकी गाड़ी में चाबी नहीं होती। वो चाबी ढूंढी रही होती है कि तभी उसे अजीब अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती है और वो देखती है कि उसकी गाड़ी के सामने कोई खड़ा है जिसका चेहरा वो नहीं देख पाती। ये सिर्फ एक आकृति होती है और ये वही आकृति होती है जिसे उसने ऊपर बालकनी से नीचे गिराया था। लैनी वहीं छिपा होता है और वो रैलिंग से दूसरी तरफ आने की कोशिश करता है। तभी उसे क्लेमेंटाइन की चीख सुनती है। वो किसी तरह से वहां तक पहुंचता है, लेकिन वहां से कोई गाड़ी निकाल लेता है और थोड़ी दूर बाद उसे वो गाड़ी मिल जाती है, लेकिन उसमें कोई नहीं होता। उस गाड़ी की लाइट्स ऑन होती है। वो लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस पे वार करता है, जो आकृति उसे भी दिखाई देती है, जिसे वो जख्मी करता है और घेर देता है। जैसे ही वो उसे पलटता है, वो एक टीनेजर होता है, यानी कि एक बच्चा। उसे क्लेमेंटाइन की फिर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसकी चिल्लाने की आवाज़ को फॉलो करते हुए वो एक मैन होल तक पहुंच जाता है। मैन होल वो जगह होती है जो इंसानों ने ज़मीन के नीचे जाने के लिए गड्ढे बनाए होते हैं। उसके बाद वो मैन होल में जाता है जहाँ पे बहुत सारे टनल्स होते हैं। क्लेमेंटाइन की सिसकियों की आवाज़ उन टनल से आ रही होती है। क्लेमेंटाइन को आखिर दो बच्चों ने पकड़ा होता है। एक क्लेमेंटाइन का मुंह दबारा होता है और दूसरा कहता है कि ऐसा मत करो, वो मर जाएगी। और जो क्लेमेंटाइन का मुंह दबारा होता है वो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो उसकी आवाज को बंद करना चाहता था। लैनी वहां आता है और उसके हाथ में जो रोड होती है वो उससे उसे मार देता है। और दूसरा बच्चा उसे कहता है
कि मुझे मत मारो, मेरे साथ चलो। क्लेमेंटाइन कहती है कि हमें इसके साथ जाना चाहिए। वहाँ वो उन्हें कोई टनल से आगे ले जाता है और बहुत सारी टनल्स क्रॉस करने के बाद वहाँ एक लोहे की सीढ़ियाँ आती हैं। सबसे पहले क्लेमेंटाइन जाती है, फिर वो बच्चा और फिर लैनी। फिर क्लेमेंटाइन को लैनी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो नीचे देखती है तो वो देखती है कि वो बच्चा उस लैनी के हाथों पर अपने पैरों से मार रहा है, बार बार लगातार मार रहा है। लैनी पहले ही जख्मी था और इतनी मार के बाद वो नीचे गिर जाता है, जिसे बहुत से बच्चे उठाकर ले जाते हैं। उसके बाद वो बच्चा सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश करता है तो क्लेमेंटाइन को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो सामने देखती है तो उसे एक पतला सा रास्ता दिखता है। वो घुटनों के बल आगे बढ़ना शुरू कर देती है और वो बच्चे भी उसका पीछा करते हैं। तभी क्लेमेंटाइन एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लेती है। तभी वो बच्चे भी कहते हैं कि मुझे मत मारो, हम सिर्फ खेलना चाहते हैं। और क्लेमेंटाइन को उस पर दया आ जाती है क्योंकि वो एक बहुत छोटा बच्चा था, और वो वहां से भाग जाती है। और तभी वो अपने साथ वालों को वहां कहता है कि वो उस तरफ गई है। अब हमें क्लेमेंटाइन को दिखाया जाता है, वो टनल से भाग जाती है और आवाजें उसका पीछा कर रही होती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़े, वो आगे लाइट देखती है, यानी सुबह हो चुकी थी। वो घुटनों के बल टनल से निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उस उजाले तक पहुंचती है, वहां उसे एक बहुत बड़ी जाली दिखती है। सामने रोड होता है, लेकिन वो जाली इतनी मजबूत होती है कि वो उसे तोड़ नहीं पाती। वो बहुत आवाजें लगाती है, बहुत चिल्लाती है, लेकिन अभी भी वो वहीं फंसी थी। थोड़ी देर में वहां बच्चे आकर उसे ले जाते हैं। हालांकि क्लेमेंटाइन सड़क तक पहुंच चुकी थी, वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती। तभी हमें जंगल से चार बच्चे निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये बच्चे वही थे जो टनल के अंदर थे। इनमें से एक के हाथ में खिलौना होता है। उस खिलौने से वैसी ही आवाजें आ रही थी जैसे कि उन्होंने रात भर सुनी थी। उसके बाद वो चारों एक बस में बैठ जाते हैं। स्क्रीन पर लिखा आता है कि क्लेमेंटाइन और लैनी की बॉडी मिल गई थी। और जब उन पुलिस वालों ने उन बच्चों को पकड़ा तो उन्हें देखा गया तो वो 10 से 15 साल के ही थे। जब उनकी इंटरोगेशन हुई तो सबसे छोटे वाले बच्चे ने ये कहा कि वो हमारे साथ खेलना नहीं चाहते थे। और इसी तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।